It's your time now. Your work is done and now you're free. It's your time now. Sit back, relax, put up your feet. It's your time now. A couple with good company. We're here to share the morning with you. We're here to share the morning with you. वेलकम बैक इन मॉर्निंग विद रॉयल और इस खूबसूरत से मॉर्निंग शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद. आपके साथ मौजूद हैं सायरा सदीकी और वसीम खालिद. जी बिल्कुल, जैसे कि हमारा पहला सेगमेंट था सियासी हलचल और इसमें हमने काफी ज्यादा हलचल देखी भी और काफी ज्यादा हलचल क्रिएट करने की कोशिश भी की. तो मेरा ख्याल है अब हम अपना दूसरे सेगमेंट की जानिब आते हैं और जो हमारा दूसरा सेगमेंट है दैट इज एंटरटेनमेंट. लेकिन एंटरटेनमेंट एक डिफरेंट तरह की एंटरटेनमेंट. आप ये सोच रहे होंगे कि एंटरटेनमेंट में हम सिर्फ ड्रामा को डिस्कस करेंगे, मूवी को डिस्कस करेंगे, सॉन्ग्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जनाब नहीं, ये एंटरटेनमेंट एक एंटायरली डिफरेंट तरह की एंटरटेनमेंट है. वसीम आप ये गेस करें मैं ऐसा क्यों कह रही हूं. मुल्क के अंदर एक ना ऐसा माहौल बना हुआ है exactly. कि लोग एंटरटेनमेंट का नाम आता है ना तो कहते हैं कि यार चलें किसी के जलसे में चलते हैं, वहां जाकर एंटरटेनमेंट काफी मिलेगा. मूवी भी लोग देखते हैं, अब सिनेमा घरों का रुख नहीं करते, लोग जलसों का रुख करते हैं. एंटरटेनमेंट का जब नाम आता है ना तो मेरे जहन में कभी भी अब सुल्तान राही मरहूम साहब नहीं आते, वहीद मुराद साहब नहीं आते, मेरे इमरान खान आते हैं, वजीर आजम साहब आते हैं, साजदार साहब आते हैं, चौधरी निसार साहब. जलसों के अंदर जो एंटरटेनमेंट है वहां पर जो एक्टिंग हो रही होती है वो अब सिनेमा में कहां मिलती है. बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो सीमा जी मौजूद है तो हम सीमा जी से जरूर पूछेंगे कि सीमा जी सियासत और एंटरटेनमेंट वो पहली आंसर ही है. सियासत और एंटरटेनमेंट का नाम लिया तो धरना तो हमारा ही था ना. धरना तो और किसी ने नहीं किया अभी तक. एग्जैक्टली, मतलब अब ये है कि एक बड़ा ही सीरियस सा इशू है लेकिन फुल ऑफ एंटरटेनमेंट भी है. सियासत को एंटरटेनमेंट के साथ कैसे इंटरलिंक करेंगी, क्योंकि देखें हर डेली बेस पे एक नया नारा, एक नया मोटिव, एक नया अंदाज, कभी हाथ उठा के, कभी हाथ गिरा के, कभी डीजे का अंदाज. एग्जैक्टली, कभी डीजे का अंदाज. बहुत जबरदस्त अभी एक रिसेंटली सॉन्ग आया है कि नवाज शरीफ चोर है, आपने सुना ही होगा, गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर. और उसमें इतना रिदम है उस गाने में, छोड़े आपकी वर्डिंग क्या है, उसमें रिदम उन्होंने इतना कमाल का उस सॉन्ग में डाला है. मजे की बात यह है कि मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, कि ऐसे डिफरेंट मुल्कीज, फिलीपींस को मैंने देखा, मैंने चाइनीज को देखा, मैंने इवन गोरियों को देखा. अच्छा. कि इस सॉन्ग पर गली गली में चोरस में डांस कर रही हैं. सही, यानी वो रिदम ऐसा एक उसमें आ जाता है. तो मेरा ख्याल है कि म्यूजिक जो है वो कम से कम मेरी तो रूह में बसा हुआ है. अच्छा, अब धरने की बात आती है, आप कहती हैं कि जी वहां पर हमारा दिल करता है कि हम वहां पर जाएं म्यूजिक सुनना हो, तो नो डाउट कि हमारे जो इतने अच्छे तराने आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान के मुतालिक और फिर मुल्क के लिए हम लोग जो उस तराने गाते हैं तो उस पर अगर थोड़ा सा झूमना एक नेचुरल बात है. अगर आप बहुत खूबसूरत नाच सुनती हैं तो आप देखें कि नाच पर भी लोग सर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं. सही. तो वो एक अगर पाकिस्तान के लिए हम लोग सुनते हैं और इस तरह करते हैं तो वो कोई डांस नहीं होता. अच्छा. वो इंटरटेन आप कह सकती हैं, मैं उस पर एग्री हूँ. लेकिन आप देखिए कि दूसरी पार्टीज ने, अस्तगफार, अल्लाह माफ करे, मैं ये कहना नहीं चाहिए लेकिन बुरी बात है और हो रहा है कि वो बकायदा प्रोफेशनल पैसे देकर उन खवातीन को ले आते हैं और उनको बकायदा डांस करवाया जाता है उनके प्रोग्राम्स में. मैंने ये देखा तो बहुत अफसोस की मकाम है ये. तो खुदा ना खास्ता हमारी तो बहुत इज्जतदार बड़ी अच्छी खवातीन हमारे पार्टी में हैं जिन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया और एक जज्बे के तहत किया है. मैं आपको एक और बात बताऊं जी, जब म्यूजिक की एंटरटेनमेंट की बात आती है, मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मलका तरन्नुम नूर जहाँ को, जो उन्होंने 70 की जंग में, बिल्कुल 65 के जो उन्होंने फौजियों के लिए गाया, तो क्या आप उसको भी फिर आप म्यूजिक कहेंगी, उसको भी डांस कहेंगी? हालांकि उस पर भी आप सर धूमते हैं. बिल्कुल, क्योंकि आप यकीन करें कि मेरा तो दिल बल्कि बाजू का ऐसा रोने को निकल आता है. आप उनका कोई सॉन्ग अगर आपके पास मौजूद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी नूरजहां का कोई एक तरह ना लगा दीजिए और फिर देखिए कि आपके इस वक्त हमें ज्वाइन किया है द प्राउड ऑफ आर इंडस्ट्री, द लिविंग लेजेंड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वेरी रिस्पेक्टेड वन, राशिद महमूद साहब ने. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? खैरियत से? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं हैं. आप सुनाइए, ठीक है मिजाज, खैरियत से हैं आपके? नाशूं, तुम्हें पता ना सुबह 4 बजे शूट से वापस आया था. अच्छा, सोया था और तेरे, लेकिन मुझे पता लग गया कभी वहां से फोन है. आप ठीक ठाक हो? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा सर, एक प्रोग्राम मॉर्निंग विद रॉयल और आपकी दुआओं से ये प्रोग्राम मैं ही होस्ट कर रही हूँ और मेरे को होस्ट हैं वसीम खालिद साहब.
तो आज हमने एक बड़ा मजेदार सा टॉपिक रखा हुआ है कि हर सुबह का आगाज हो रहा है आजकल जेआईटी से। तो हमारा ये सेगमेंट था एंटरटेनमेंट का, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि अगर आजकल किसी को एक्टिंग सीखनी है तो हम हमेशा से ये गिला करते हैं कि हमारे पास एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल रिजॉल्व हो चुकी है, आप कोई भी जलसा अटेंड कीजिए और हमारे पॉलिटिशियन इतने परफेक्ट हो चुके हैं एक्टिंग में कि आप उनसे एक्टिंग सीख सकते हैं। सर क्या कमेंट करेंगे इस बारे में? परफॉर्मेंस बता नहीं सकते हम तो। चलो बेटा मेरा बात तुम्हें मुबारकबाद है तुम्हारे इस मॉर्निंग शो की, और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्लेयर हो, बड़ा अच्छा प्रोग्राम पहले भी जो आप करती थी वो भी बहुत अच्छा था, मेरा भी कई दफा आना हुआ तो प्रोग्राम जो है इसमें मुझे यकीन है कि तेरे सेगमेंट्स भी बहुत उम्दा होंगे, लोगों को तुम फेयर से भी रिलेटेड रखोगी, अवेयरनेस भी दोगी, और एक बीइंग पाकिस्तानी वो जो कुछ जो हमें किसी को कोई हमें ना भी बताए तो वो हमारे अंदर होते हैं बेशक इस प्रोग्राम में पोर्ट्रेल होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारी सारी टीम के लिए, कीप इट अप एंड कैरी ऑन, मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। राशिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे लिविंग लेजेंड हैं, उनका ये कह देना इट सिर्फ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है। बिल्कुल, और अगेन मतलब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सर मैं कभी भी ये बात नहीं भूल सकती कि मेरा जो सबसे पहला बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग इंटरव्यू था वो राशिद महमूद साहब के साथ था। और यहाँ पे सीमा जी आपको बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने मुझे ये कहा ना कि ये लड़की जुमले बड़ी खूबसूरती से बनाती है, तो दैट वॉज माई बिगेस्ट अवार्ड, उससे बड़ा मेरे लिए अवार्ड कोई नहीं था। सर सलामत रहिए, क्योंकि बेसिकली आप ही वो लोग हैं जो कि हमारे कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप ही फख्र पाकिस्तान हैं, तो अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। बैक टू द पॉइंट। अच्छा सीमा जी एक और बड़े मजे की बात, वसीम तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी खान साहब कॉल देते हैं कि जी यहाँ पे जलसा है, तो मुझे एक चीज़ बड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, खवातीन का नाम तो मैं कभी यूज़ ही नहीं करूँगी, पीटीआई में माशाल्लाह सारी लड़कियाँ हैं, उनकी ड्रेसिंग बड़े मजे की होती है। तो मेरा ख्याल है कि वो भी है ना, ड्रेसिंग उनकी बड़े मजे की होती है, मेरे ख्याल से वो सोच के रखती है कि अगर आज बनी गाला जाना है तो ये वाला कलर होना चाहिए, लाहौर में जलसा है तो ये वाला कलर होना चाहिए। सीमा आप ही क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे यहाँ ये ट्रेंड चल पड़ा है कि हम खवातीन जो है मोस्टली आपने नोट किया होगा कि ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन में सूट पहनती है। ये पहले था कि कोई जमाना था जब आप वाली बात दुरुस्त है कि वो अच्छे से अच्छा ड्रेस पहनना है बाकायदा तैयार किया जाता था, लेकिन अब ये कुछ अरसे से ट्रेंड चल पड़ा है कि टिपिकल ग्रीन एंड रेड के अलावा कोई सूट नहीं पहना जाता। तो मेरा ख्याल है कि खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, वैसे आज आप मुझे बताती तो मैंने तो बिल्कुल स्टार्ट में ही तारीफ की, और वैसे भी आप माशाल्लाह इतनी क्यूट हैं कि हर रंग ही आप पे सजता है। अच्छा वसीम मुझे ना एक उड़ती उड़ती सुबह सुबह खबर मिली, एक कबूतर आया और वो आके विंडो में बैठ गया और उसने मेरे कान में इंडिया से तो नहीं आया था, नहीं 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 बिल्कुल नहीं आया था, और उसने ना मुझे कान में आके बताया कि सीमा आप ही गुनगुनाती बहुत अच्छा। तो मैंने कहा चूंकि सियासी टेम्परेचर इतना हाई चल रहा है, इतना अप चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा हम लोअर डाउन करते हैं और इस खूबसूरत सी सुबह में एक मीठी सी आवाज हम सुनते हैं, एक बहुत ही मेलोडियस सी वॉइस हम सुनते हैं। तो सीमा भी वो कबूतर मुझे ठीक बता के गया ना कि आप गुनगुनाती बहुत अच्छा, कुछ नहीं है मुझे बेसिकली नो डाउट कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मौसीकी शायद मेरी रूह में बसी हुई है। आप बिलीव करें कि हम मुझे बहुत ड्राइव करना पड़ता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाना पड़ता है, पॉलिटिकल हमारा मैं कुछ पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी देती हूँ उस हवाले से, तो मैं म्यूजिक के बगैर गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती। अच्छा ये पीटी में आने से पहले से आने के बाद में हुआ है? नहीं नहीं नहीं, म्यूजिक को शौक मुझे शुरू से ही था, लेकिन ये है कि उसके बगैर मैं गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकती, मुझे वाकई इश्क है म्यूजिक से। और गुनगुनाने की जहाँ तक बात है कि आवाज मेरी अच्छी नहीं है, और बस ये कि शादी ब्याह पे टप्पे शप्पे हम लोग बड़े मजे के गाते हैं, इसके अलावा कोई खास फिर अब सुना भी देख सुना दे थोड़ा सा। अच्छा वैसे ना मेरे पास ना सीमा जी का एक बड़ा ही वीक पॉइंट है, क्योंकि ये माशाल्लाह लव बर्ड्स हैं, हस्बैंड वाइफ, मैं इनके साथ प्रोग्राम कर चुकी हूँ, एंड दैट वाज अ सुपर डुपर प्रोग्राम, मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, तो शी लव्स हिम अ लॉट, तो भाई के लिए थोड़ा सा अगर कुछ गुनगुना दे अब तो हम मना करेंगे नहीं। नहीं आज मुझे पता नहीं क्यों, वो तो खैर अनवार माशाल्लाह बिल्कुल दिलो जान में है, लेकिन जो मैं आज दिल कर रहा है वो मेरा वही बात की अपने फौजी जवानों के लिए जरूर, कर जरूर बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक, उनके लिए मैं जरूर थोड़ा जरूर जी, जरूर। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, तू लब दी फिरे उधार कुड़े, ए सौदा नकद भी मिलदा नहीं,
ए सौदा नगद भी मिलदा नहीं तू लभदी फिरे उधार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विक दे। वाओ वंडरफुल जबरदस्त 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 और मेरा ख्याल है कि ये एक जज्बा था बिकॉज इट वाज डेडिकेटेड टू पाकिस्तान आर्मी। अच्छा जी यहाँ पे कवाली का बहुत बड़ा नाम बल्कि मैं हमेशा उनके बारे में कहती हूँ कि शहनशाह कवाली कवाली के बेताज बादशाह वेरी रिस्पेक्टेड वन जनाब शेर मियां दाद खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब आप सुनाइए खैरियत से हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। भाई मेरी बात सुने मैंने आप ये आपका शो देख रहा हूँ तो सायरा आपको पहले तो बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको बहुत शुक्रिया और रॉयल को खसूसी तौर पे रॉयल चैनल को बड़ी बड़ी मुबारक हो जिन्होंने थैंक यू सो मच मैंने देखा तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा मैं रह नहीं सका मैंने कॉल कर दी आपके जो प्रोड्यूसर है उनको आपको आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो बहुत शुक्रिया पेश करने बहुत बड़ा ऑनर है आपने जितने प्यार से और जितने रिस्पेक्ट से जो है वो आपने तारीफ की और अच्छा यहाँ पे हमारे पास पीटीआई की एक बहुत ही क्या कहना चाहिए इम्पोर्टेंट पिलर सीमा अनवार साहिबा है जिन्होंने एक डेडिकेट किया है पाकिस्तान आर्मी को एक तराना और आप वो सुन ही रहे होंगे कैसा लगा आपको क्योंकि ये बेसिकली उनका जज्बा था जिस जज्बे से उन्होंने गाया। हाँ जी हाँ जी मैंने सुना है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हर वो शख्स जो अपने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे अच्छा गाए अच्छा लिखे सबको सल्यूट है क्योंकि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आई लव खान साहब एंड पे कोई प्यारा से मैसेज देना चाहें पूरे पाकिस्तान के लिए देखने वालों के लिए सुनने वालों के लिए मैसेज यही है अल्लाह की जात पे तकवा और माँ बाप की खिदमत और मेहनत नहीं छोड़नी और पाकिस्तान से मोहब्बत। सायरा आपने यहाँ पर उनको कह दिया कि एंड पे मैसेज दे दें एंड पे शेर मियां दाद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है और सुनाए बगैर चले जाएं ये हो नहीं बिल्कुल क्योंकि हाँ। शेर मियां मैं बहुत इस मामले में मतलब आई एम रियली ऑनर्ड कि जब भी खान साहब को मैंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है खान साहब हमेशा तशरीफ लाए हैं तो खान साहब इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम है और मैं चाहूंगी कि अगर आपके ही खूबसूरत से कलाम से हम इसका आगाज करें तो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होगी। मेरा एक वीडियो अभी लॉन्च हो गया है नेट पे भी है तो उसका एक बोल सुनाता हूँ आपको ट्रिब्यूट पेश किया मैंने सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते हमने पत्थर से जिन को बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते वाओ लवली वंडरफुल 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 खान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की तारीफ का वाया कॉल हमारे साथ शरीक होने का अल्लाह आपको सलामत रखे थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे सायरा यहाँ पर फिर वही बात आ जाए जी वो पॉलिटिक्स शायद कोई जरासीम ऐसा है जो रग रग में घुस गया है अभी वो सुना रहे थे सॉन्ग के हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम अगेन वाकई वो दिलो जान में पता नहीं कि ये खत जेएलटी आपने बात सही की है कि रात को ख्वाब में भी जेएलटी नजर आती है और बहरहाल जेएलटी के बाद यहाँ जिक्र हुआ तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी वसीम सायरा आप दोनों को कि देखिए ये एक करप्शन के अगेंस्ट एक वर्क हुआ है और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ जेटी मेंब्रांस को हमारा सलूट होना चाहिए तमाम पाकिस्तान का सलूट होना चाहिए इसलिए कि उन्होंने अपनी जान पर खेल कर आप देखिए उनकी फैमिली को बहुत बड़ा थ्रेट था उसके बावजूद उन्होंने अपनी जान पर खेल कर फैमिली को सेव करके इस केस को सुना और उसकी प्रोसीडिंग की और उसके सबूत भी फराहम किए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सीमा जी शुरू में आपने एक चीज का जिक्र किया कि लेट सपोज वैसे ऐसा होता नजर तो नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दस्तबरदार हो जाते हैं तो आपने एहसन इकबाल साहब का नाम दिया एज अ रिप्लेसमेंट तो आज हम लोग बल्कि डिस्कस कर रहे थे कि तीन नाम हमारे सामने आए थे जिनमें से एक नाम तो यही था एहसन इकबाल साहब का और बाकी जो दो नाम थे वो थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। तो एहसन इकबाल साहब ही मोस्ट फेवरेट क्यों या अगर आपने ये ओपिनियन दी है तो व्हाट इज द बेसिक रीजन भी जो मेरे जहन में है वो ये है कि बाकी जिन पर्सनलिटीज को आप डिस्कस कर रहे हैं दे आर कंट्रोवर्शियल तो क्योंकि नून लीग जो है उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हो गए हैं
आपने देखा निसार चौधरी का और दूसरे तीसरे, ये काफी सारे इनके दो तीन ग्रुप्स हो गए हैं, ठीक है। तो बाकी नाम जो ऐसे हैं, इवन चौधरी निसार सब खुद भी, ये कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। एक ग्रुप पसंद करता है, दूसरा नहीं करता, दूसरे को दूसरा करता है, तीसरा नहीं करता। तो एहसन इकबाल एक ऐसा नाम है जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, जिनको मेरा ख्याल है कि सब उस पे राजी हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने ग्रुप बंदी की बात की तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी सुनने में आ रहा है कि धड़ेबाजी है, ऐसा exactly है बिल्कुल ऐसा है। और मैं ये समझती हूँ कि ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, वसीम जमहूरियत में ये सब होता है, नो डाउट के है, लेकिन हम सबकी क्योंकि मंजिल एक है, करप्शन फ्री पाकिस्तान, इस धुन में सब इकट्ठे जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, लेकिन मंजिल सबकी एक है, सब उसी तरफ ही जा रहे हैं। सिर्फ ऑपोजिशन ये मुहिम लेके चल रही है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, क्या जो हुक्मरान है उनको कोई नहीं है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए? उनको नहीं है तो उन्होंने ये कुछ किया ना। आप देखिए कि 17 साल से पाकिस्तान में किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस तरह पैसा बाहर गया, सब अब पूरी पब्लिक के सामने ये सारे प्रूफ। देखिए ये पीटीआई का केस है ही नहीं, मैं समझती हूँ ये गलत कंसेप्ट है कि जी पीटीआई नहीं, इसको आप छोड़ दें पीटीआई को, ये तो इस वक्त पाकिस्तान की सलामती का मसला हुआ हुआ है। आप देखिए कि ये केस पीटीआई ने नहीं दाखिल किया, ये एक ऐसा केस है जिस पर तमाम मुल्कों से सबूत हमारी गवर्नमेंट ने इकट्ठे किए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठे किए, तो उसको आप कैसे जुटला सकते हैं? अभी आप वसीम, एक छोटी सी बात और भी मैं करना चाहूंगी, आपने मुझे सवाल भी किया था लेकिन वो राणा साहब आ गए तो सवाल बीच में ही रह गया कि इसके सबूत पर जो है वो उनको खदशात है, रिजर्वेशन है। बिल्कुल, लेकिन ये सबूत क्या पीटीआई ने दिए हैं? बात ये है कि जिन इदारों ने ये सबूत फराहम किए हैं वो उन इदारों से रिलेटेड ये काम कर रहे हैं वहां पर। तो ये आप आज अदालत का भी आपने बयान सुन लिया कि जब एक इदारा, आप एक कंपनी है, उस कंपनी से आपने प्रूफ मांगा, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस नेस्कोल, तो उसके बाद आपके पास क्या सबूत रह जाता? फिर आपको क्या एम्बेसी की जरूरत है स्टैंप्स की? फिर आपको किसी खारजा मिनिस्टर की किसी स्टैंप्स की जरूरत नहीं रहती जब आपको इदारा खुद अपने एविडेंस फ्राहम कर देता है। अच्छा सीमा जी, जहाँ पे हम बार बार ना अहल होने की बात करें तो वसीम, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि तमाम मवाद को जांच कर तय करेंगे कि ना अहली बनती है या नहीं। किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे आप इसको? हम सीमा जी से भी बल्कि पूछेंगे कि किस हद तक जो है वो जांच पड़ताल, और मेरा ख्याल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सेटिस्फेक्शन जो है दैट इज येट टू बी डन कि ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। सीमा जी क्या कहेंगी इस बारे? जी देखें, जाहरी बात है कि अभी ये केस जो है प्रोसीडिंग इसकी हो रही है, इसकी हियरिंग्स चल रही हैं, इसका डिसीजन नहीं हुआ अभी तक। ये और बात है कि अभी पब्लिक को, हमें सबको ये यकीन है कि ये फैसला इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में आएगा, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने भी इसका डिसीजन नहीं किया तो वो जाहिर बात है वो ये बात ठीक कर रहे हैं कि अभी हमने एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, डिसीजन नहीं दिया। अभी हम इनकी रोशनी में देखेंगे कि इन एविडेंस की रोशनी में कौन कितना मुजरिम करता, देखें कौन कितना मुजरिम करार देता है, यानी कि इसकी सारी उम्र के लिए जेल भी हो सकती है, इसकी खुद फांसी भी सजा हो सकती है, इसकी सजा ये भी हो सकती है कि मुल्क बदर कर दिया जाए। तो ये फैसला अभी जाहिर बात है वो ये देखेंगे कि इसकी कितनी जिसे कहते हैं कि मेडिसिन की पोटेंसी एग्जैक्टली क्या आप 250 मिलीग्राम ले रहे हैं टैबलेट या 500, अगर बीमारी ज्यादा है तो आप 500-600 मिलीग्राम लेंगे, अगर छोटी बीमारी उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो 250 पे उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसी तरह इसको एक डोज दी जानी है अभी, वो डोज किस पोटेंसी की होनी चाहिए ये डिपेंड करता है अभी। अच्छा वसीम, चूंकि हमारा जो सेगमेंट है वो है एंटरटेनमेंट का, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो भी डिसीजन है वो सामने आता है, पीटीआई इज वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन, तो आप लोग उसको किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? ये बताइए मुझे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई, सेलिब्रेट कैसे? आपने फिर वही अपनी वाली वही बात कर दी कि एंटरटेनमेंट सेगमेंट, एंटरटेनमेंट सेगमेंट, सो वी विल एंटरटेनमेंट के हम इस पर आएंगे इस पेज पर, और इंशाल्लाह ताला हमें ग्रैंड किस्म का हमने सोचा हुआ है कि बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे जिसमें खान साहब अपने वर्कर्स के साथ खिताब भी करेंगे, तब हम मिठाइयाँ भी खाएंगे और तब हम गाने भी सुनेंगे, गाने भी सुनेंगे। फैसला जो भी आप बुलाऊंगी, फैसला जो मर्जी आ जाए जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये डिसीजन लिखवा लिया था कि दोनों पार्टीज को फैसला कबूल होगा, ये बड़ी अच्छी बात हुई है। सो अगर खुदा न खास्ता इवन मैं समझती हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ भी आता है तब भी हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा और हम उनको बिल्कुल शाबाश देंगे कि उन्होंने इतनी वर्किंग की इस पर एक साल से, और अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली, हमें मंजूर होगा। एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ का मतलब बताएंगे? फिर आप नून लीग का एंटरटेनमेंट देखेंगे ना? नहीं, उसने बड़ा प्यार से उसने पूछा कि एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट का मतलब बताएंगे प्लीज। एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन अहल करना है? नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन हमारी पहले तो ये थी कि नवाज शरीफ को अहल करार दिया जाए, ठीक है, और इनको एक हमारा था कि इनको शायद मुल्क बदर कर दिया, हमारी तो डिमांड ये थी कि ECL में नाम लिखा जाए, लेकिन अब हमारी डिमांड जो है वो ये नहीं, पहले रिजाइन तक भी थी,
अब इससे थोड़ी सी हमारी डिमांड आगे बढ़ गई है, क्योंकि जो ऑफशोर कंपनीज थी वो आपको पता है कि ज़्यादा निकल आई हैं, और जो इनकी करप्शन थी उसके प्रूफ हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल आए हैं। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम ये है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो इनको अब फांसी दी जाए, और इससे कम पे हम नहीं मानेंगे, उनको उम्र कैद सजा होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी डिमांड है। और पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो इन्होंने ये बाहर लेकर गए, उस लूटे हुए पैसे को पाकिस्तान ने, वसीम फ्लो चेक कीजिए, पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा बिल्कुल सही है ना। देखिए ना सायरा, वो किसका पैसा था? आपका था ना, मेरा था, वसीम का था, जो हमारे पब्लिक में बैठे हुए लोग बैठे हुए हैं इनके टैक्स का पैसा था। आप सबका पैसा चोरी हुआ है, तो फिर हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि हमारा पैसा इस तरह से कोई बाहर जाके अयाशियों में इस्तेमाल करे? मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसको बिल्कुल। यहाँ पर सीमा साहब हमें ज्वाइन किया है जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा, सीनियर कानूनदान है, बड़े अच्छे तरीके से इस कानून को और इस मामले को समझती हैं कि ये हो क्या रहा है और किस समत में जा रहे हैं, उनसे जानते हैं। जस्टिस नासरा साहबा, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैनामा केस के हवाले से, क्या समझती हैं कि ये किस तरफ केस जा रहा है और इसके अंदर कितनी सफाई से जो सबूत पेश किए गए हैं उसके हवाले से बताइएगा? जो सबूत पेश किए गए हैं जेआईटी की फाइंडिंग्स में, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो सारी कॉम पे रहा है। तो अब उनको तो मौका फ्राहम होना था ना, जिनके जो अपने वास्ते कोई वो नहीं प्रोड्यूस कर सकी अपना मनी ट्रेल। तो बात ये है कि जो सवालात कोर्ट ने किए उनको, ख्वाजा हारिस साहब को, तो उसपे तो वो कोई रिबट नहीं कर सके। जो नई मालूमात निकाली थी इन्होंने, जो मतलब जो चेयरमैनशिप थी ऑफ दैट कंपनी दैट डिस्कवर्ड, उसकी ओनरशिप उन्होंने कहा हसन नवाज की है, और बहुत सी ऐसी बातें थी जिनके ऊपर कोई खातर खा जवाब नहीं निकल सका। तो बज़ाहिर तो यही मालूम हो रहा है कि अब जो भी वो करने को निकले थे सबूत रिस्पॉन्डेंट्स, वो नहीं ला सके। तो अब कोई फैसला तो मेरा ख्याल है ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अदालत ने फैसला करना है कि किस तरफ को जाएगा। जैसे साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से ख्वाजा हारिस कह रहे थे कि 13 सवाल थे, 15 पूछे गए, जेआईटी जो है वो मुतनाज़े थी, तजादात का मजमुआ है जो उन्होंने एविडेंस दिए हैं कोर्ट में जमा करवाए हैं, हालांकि वो नून लीग ने जमा करवाए थे। वसीम, इसके साथ साथ एक बात और भी ऐड करती चलूं कि ये भी एक स्टेटमेंट जो अगेंस्ट जो इन्होंने अपने एतराज़ात जमा करवाए उसमें ये भी मेंशन था कि अगर तफ्तीश गैर जानिबदार ना हो तो शफाफ ट्रायल मुमकिन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 10A की रूह से भी फरीक का बुनियादी हक है कि जो ट्रायल है वो शफाफ होना। जी, तो आईनी लिहाज से बताइएगा कि ये बातें जो उन्होंने की हैं किस हद तक दुरुस्त हैं? बात ये है कि जो भी कहा जा रहा है ना वो प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन है, तो सब्सटेंटिव जो मामलात है उसकी तरफ तो नहीं आए। देखिए, जो भी खासतौर पे जो किसी गवर्नमेंट से मुसद्दका डॉक्यूमेंट्स निकले हैं ना, तो देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी अनलेस दे आर रिबटेड। तो जब उनको कन्फ्रंट किया गया तो वो रिबट नहीं कर सके, और अगर रिबट नहीं कर सकते फिर दैट मीन दैट दे स्टैंड अनडिस्प्यूटेड, और जब अनडिस्प्यूटेड एविडेंस इस तरह की आ जाए उसका तो एक ही नतीजा निकल सकता है कि इट विल इंजर द पार्टी जिसके अगेंस्ट है। जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। रिस्पेक्टेड जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा जो थी वो हमारे साथ मौजूद थी, और हमने उनकी जो थी वो माहिराना कानूनी राय भी हमने दी। सो बैक टू सीमा पी, तो मेरा ख्याल है कि वसीम थोड़ा सा कोई गर्म क्वेश्चन फेंकूं या वो सुहानी सुबह को मद्देनजर रखते हुए कोई साफ का आगे का लायहामल जानते हैं कि क्या है, जश्न कैसे मनाया जाना है, कहां पर हम एक नया जश्न देख सकेंगे विद द कंडीशन कि अगर फैसला अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन आता है। बकौल इनके कि वो बहुत नजदीक है, जैसे जस्टिस साहब ने भी कहा कि फैसला जो है बहुत नजदीक है, तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, मौसम भी बड़ा अच्छा है कि वो जो है वो आप किस तरीके से आइंदा का लायहामल अपना रही है। देखिए, लाहौर की निस्बत इस्लामाबाद का मौसम आजकल सुना है बहुत अच्छा है, तो सियासी मौसम के वैसे तो मेरा ख्याल है कि हमें वहीं पर ही सेलिब्रेट करना चाहिए इस प्रोग्राम को, जो हमारा इंशाल्लाह जश्न होगा और बहुत बड़े लेवल पर जश्न होगा। लायहामल क्या अपना रही है तहरीके इंसाफ आगे? देखिए, इसके बाद जाहिर बात है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जो अंडरस्टूड है इलेक्शन वैसे भी पास थे, तो उसमें हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की है इससे पहले कि मरदमशुमारी जो हो रही थी उसमें पहले डिमांड की गई थी हमारी पीटीए की तरफ से कि आप इलेक्शन रिफॉर्म लाइए, इलेक्शन रिफॉर्म लाएंगे तो उसके बाद मरदमशुमारी से पहले ये हुकूमत का वादा था कि हम पहले इलेक्शन रिफॉर्म लाएंगे फिर मरदमशुमारी होगी, मगर उसको ने एज़ यूजुअल जिस तरह के बाकी तोता मैना की कहानी जो अर्शद साहब भी आपको सुना गए हैं उसी तरह ये वादा भी हुआ और वो ना फुलफिल हो सका। अब हमारा लायहामल नेक्स्ट यही होगा कि सबसे पहले हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात करें और इलेक्शन की तैयारी जिस तरह हम ऑलरेडी कर रहे हैं
हमारे कौन एमपी होगा, किसको टिकट मिलेगा, तो ये पार्टी में ऑलरेडी इस पर वर्किंग हो रही है। मेंबरशिप भी हम लोगों ने की रिसेंटली, तो इंशाल्लाह ताला अरूज पकड़ेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, पहले जैसे जीआईटी से बाहर निकलते थे तमाम मेंबरान, तो नून लीग वालों का बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव नजर आता है। तहरीक इंसाफ वाले जो बड़े मजे में बाहर आते हैं, बाहर बड़े चिल फील होके बाहर आते हैं, वजह क्या है? क्या कोई अंदर दिल में किसी के कुछ चोर है, डर खौफ, ये क्यों है? अच्छा, आपने वसीम एक चीज नोट की होगी कि तहरीक इंसाफ के पास बोलने के लिए मटेरियल है, क्योंकि वो मुजरिम बहरहाल साबित हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब कौम की नजर में तो हो चुके हैं ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाकी है, लेकिन एक सोशल मीडिया हमारी मुकम्मल अदालत है, जिसे अवाम की अदालत मैं कहती हूँ। तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पे ये मुकम्मल तौर पर डिसीजन आ चुका कि नवाज शरीफ चोर है। बहरहाल वो तो आपका बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया की बहुत एक्टिव मेंबर है। अच्छा, अब उसी वे से जाहिर बात है कि जब एक डिसीजन हो चुका है, अब हमारे पास बोलने के लिए सोशल मीडिया का डिसीजन तो आपका की अदालत की बात करी, तो जब तहरीक इंसाफ के मेंबर्स बाहर आते हैं, फवाद चौधरी को आप माशाल्लाह देख लें, तो हमारे पास बोलने के लिए मटीरियल होता है, जबकि वो क्योंकि गिल्टी है, आप यकीन करें कि उनके अपने वज़रा भी उनको डिफेंड नहीं कर पाते। इट्स फैक्ट, आप नोट करें, वो आए बाएं चाहें उधर की मारेंगे, आपने केपीके में क्या कर लिया, आज आप देख लें जनाब दानियाल अजीज फरमा रहे थे पीपल्स पार्टी का कल कुछ और था, जमात इस्लामी का कल कुछ और था, आज वो कुछ और करें। भी आप लोग अपनी बात करो, छोड़ो वो क्या कह रहे हैं, बात हो कि आप अपनी बात करें कि मनी ट्रेल कहाँ है। क्वेश्चन इज दिस, जो आपने कोर्ट एक साल से पूछ रही है, आप नहीं दे। आज जज साहब के मुझे रिमार्क्स बड़ा मजेदार लगे कि उन्होंने कहा यार होने दे दो, अब तो दे दे, अब तो दे दे भी। अच्छा वसीम, चूंकि अब ये हमारा जो सेगमेंट है ये भी ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर है, तो सीमा जी मैं आपसे चाहूंगी कि आपने एक मैसेज देना है, लेकिन वो जो मैसेज होगा ना दैट वुड बी पॉलिटिक्स प्लस एंटरटेनमेंट, उन दोनों का एक बड़े मजेदार सा एक मिक्सचर होगा, ताकि इस्लामाबाद का जो सियासी टेम्परेचर चल रहा है ना थोड़ा सा उसको भी टच करे, थोड़ा सा लाहौर के टेम्परेचर को भी टच करे, एक मिक्सचर सा के हमारे सामने आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वैसे मैसेज ये देना चाहूँगी, जो इंटरटेन और पॉलिटिक्स दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, वो ये है कि जो इंशाअल्लाह ताला अभी हमारा अनाउंसमेंट हो जाएगी हक में पाकिस्तान की बेहतरी के हक में जो फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला उसको बड़ा ग्रैंड तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे म्यूजिक के साथ। और फिर मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मीडिया हमारा पहले भी बड़ा साथ देता रहता है, उसमें आप सारा आपने और वसीम में स्पेशली, हम दोनों तो स्पेशली आएंगे। और आई प्रॉमिस कि मैं आपको बड़ी बेहतरीन से जगह दूंगी जो म्यूजिक के बिल्कुल साथ होगी, और उसमें फिर आपने गुनगुनाना और एग्जैक्टली कोई पता नहीं, हम दोनों वहां पे भी जो है ना वो अपना मॉर्निंग शो कर रहे हैं, आपके साथ आपने करना है यही। अच्छा, वंस अगेन बहुत शुक्रिया सीमा जी जिन्होंने हमें इनवाइट किया, मेरी तो बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह से हैं, बहुत लवली मेरी डार्लिंग, अल्लाह आपको सलामत रखे। व्यूअर्स, यहां पे हमें लेना है एक शॉर्ट सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, सो स्टे विद अस। इट्स योर टाइम नाउ, योर वर्क इज डन एंड नाउ यू आर फ्री। इट्स योर टाइम नाउ, सिट बैक रिलैक्स पुट अप योर फीट। इट्स योर टाइम नाउ, अ कपल विद गुड कंपनी, वी आर हियर टू शेयर द मॉर्निंग विद यू। We're here to share the moment.